हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप हमारी सभी वीडियोस अब अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप, यू आर वॉचिंग गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल। और जैसे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज चल रही है, जहां पर 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, और ये है पार्ट टू। पार्ट वन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जहां पर मैंने 40 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराए थे। तो आज भी यहां पर ये क्वेश्चंस मैं कराकर चलूंगा और 5 पार्ट में आपको ये कंप्लीट 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कराने हैं। ठीक है गाइस, साथ ही आप इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक दे रखा है, वहां पर ज्वाइन करते ही आपको प्रीवियस सभी वीडियोस के पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगे। और साथ ही हमने पूरा अपना सिलेबस एक कंप्लीट बनाया है एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, रेलवे के एग्जाम्स के लिए या उन सभी एग्जाम्स के लिए जहां पर मैथ रीजनिंग जीके इंग्लिश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ रीजनिंग जीके इंग्लिश का आप कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कोर्स हमसे परचेज कर सकते हैं। 100 रुपये पीडीएफ चार्ज है, जो 1500 पेजों के आसपास प्रिपेयर किया गया है, हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में। जो बच्चा हिंदी का है वो हिंदी लैंग्वेज ले सकता है और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। ठीक है, तो 100 रुपये चार्ज है, पेटीएम पर पेमेंट करके आप वो परचेज कर सकते हैं। नीचे आप देख भी रहे हो मेरा पेटीएम नंबर और व्हाट्सअप नंबर। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये क्वेश्चंस। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। फेडरल रिजर्व बैंक तो वो है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। जैसे भारत का है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, वैसे फेडरल रिजर्व बैंक है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट है कि बैंक नोट प्रेस नोट कहां पर स्थित है, तो यह है देवास मध्य प्रदेश में, ठीक है, जहां पर नोटों की छपाई होती है, तो देवास मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति का नियंत्रण की विधि नहीं है, तो वो है ब्याज दर में कमी। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, तो वो है ब्याज दर में कमी। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है लेनदार को। मुद्रास्फीति अगर होती है तो लेनदार को सबसे ज्यादा इसमें नुकसान होता है। क्लियर। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है, उसे कहते हैं विमुद्रीकरण। ठीक है, पुरानी करेंसी बंद कर दी जाए, 1500 के नोट बंद कर दिए जाए, ठीक है, नोटबंदी जिसको बोला जाता है, और फिर नई करेंसी जारी की जाती है उस समय बाद, उसे बोलते हैं विमुद्रीकरण। क्लियर। नेक्स्ट है कि ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ग्रेसम का नियम वो संबंधित होता है मुद्रा के प्रचलन से, ठीक है, मुद्रा के प्रचलन से। फिर आता है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। यानी कि प्रति व्यक्ति आय अगर आप निकाल रहे हैं तो राष्ट्रीय आय जो टोटल हमारे कंट्री की जो इनकम होती है उसको देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ जाती है, इसको निकालने का ये फॉर्मूला होता है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो वो है राष्ट्रीय आय से। क्लियर। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत। जब 91 के आसपास रिसेशन था तो उसी वक्त वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उन्होंने इसको काफ़ी अर्थव्यवस्था को काफ़ी इम्प्रूव किया था, तो इसीलिए इनको उदारीकरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो वो होती है आयात और निर्यात बंद, ना तो कोई चीज आयात हो सकती है ना ही निर्यात। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है कैसी, संरचनात्मक बेरोजगारी है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है, तो कोयले की मात्रा है उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है। कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो केरल, केरल राज्य में सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन होता है। केरल में अगर दूसरी चीज की बात की जाए तो केरल में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। अगर बात की जाए मसालों का, तो ओवरऑल मसालों की बात की जाए तो वो भी केरल में सबसे अधिक उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। बात करें कि भारत में सबसे बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वो होता है सिक्किम में। बड़ी इलायची जो मसाले के अंदर डलती है वो सिक्किम में।
भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई थी। क्लियर। मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में। बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? 2011 में। तो यहां पर तीन सन वाले क्वेश्चन हुए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में मैंने बताया 1986, मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 और बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? 2011 में। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? डाबर। डाबर भारतीय कंपनी है लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, डाबर। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? तो वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भारत के जो उद्योग क्षेत्र है वो काफी इंप्रूव हुआ है, काफी ज्यादा उसे सफलता इस क्षेत्र में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र हो जाता है सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। फिर है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है, तो वो है महाजन, ठीक है। आप गांव के एरिया में रहते हैं तो वहां पर जो लोन वगैरह लिया जाता है, ठीक है, कुछ पैसा उधार लिया जाता है तो वहां किसी सेठ से ही लिया जाता है जिसे बोला जाता है महाजन, ठीक है। तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन महाजन। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका, ठीक है। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो वो है चांदी और सोना। सबसे ज्यादा चांदी और सोने की खरीद फरोख्त की जाती है और मुद्रा के रूप में भी इसका सर्वाधिक उपयोग होता है सिक्के बनवाकर। निम्नांकित में कौन विधि ग्राह है? मुद्रा है, तो वो है 10 रुपए का नोट। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो वो है पत्र मुद्रा, ठीक है, वैधानिक मान्यता प्राप्त है वो है पत्र मुद्रा। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, इसके ऑप्शन छूट गए हैं, चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? तो वो है बिहार राज्य, ठीक है। बिहार राज्य में सबसे ज्यादा गरीबी का रेशियो देखने को मिलता है, गरीबी के आंकड़े सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं बिहार राज्य में। सीमा शुल्क, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और आयकर में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो डायरेक्ट टैक्स है, वो है इनकम टैक्स, आयकर। विल, WILL, विल प्रौद्योगिकी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह विल प्रौद्योगिकी आती है, विल टेक्नोलॉजी आती है, मोबाइल फोन से संबंधित। फिर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या उद्देश्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य होता है राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, राष्ट्रीय आय को इंक्रीज करना। हर देश दूसरे देश के साथ इसी उद्देश्य से व्यापार करता है जिससे कि उसकी जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसमें बढ़ोतरी हो। किटकैट चॉकलेट के निर्माता कौन है? किटकैट कंपनी की जो चॉकलेट आती है वो होती है नेस्ले के द्वारा, NESTLE। क्लियर। कौन सी संकल्पना जेम किन्स ने सबसे अधिक सबसे निकट संबंध है? तो वह है मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण। कौन सी संकल्पना जेम किन्स से सबसे अधिक संबंध है? तो वो है मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्य को कौन नियंत्रित करता है? तो वो करता है सेबी, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज को पूरी तरह से कौन नियंत्रित करता है? सेबी इसको कंट्रोल करके चलता है। नेक्स्ट है कि थर्ड वर्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? तो वो है विकासशील देश, विकासशील देशों के संदर्भ में ही थर्ड वर्ड शब्द का उपयोग किया जाता है। किसी कंपनी के ऋण पत्र धारक उसके क्या होते हैं? तो वो होते हैं लेनदार। किसी कंपनी के ऋण पत्र धारक उसके क्या होते हैं? वो होते हैं लेनदार। क्लियर गाइस। तो गाइज यहां पर हमने डिस्कस किए हैं आज 38 क्वेश्चंस ही डिस्कस किए, ठीक है, जो कि हमारे 200 मोस्ट पॉपुलर इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज का पार्ट है। बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल ये सीरीज चल रही है, ठीक है। 5 पार्ट में ही इसे कंप्लीट करेंगे, ये 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप इसे कंप्लीट वॉच कीजिए,
अगर आप किसी भी वीडियो को एक बार देखते हैं, पूरी लगातार कंप्लीट वीडियो देखते हैं, तो देखते देखते भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। हालांकि इंडियन इकोनॉमी एक थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, क्वेश्चंस आपको इजीली याद नहीं हो पाते होंगे। तो एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई कीजिए, ठीक है। कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए और साथ ही फ्री PDF डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप से, और उसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिए। तो मैं नहीं मानता फिर आपको कोई भी क्वेश्चन रह जाना है। 40 के 40 क्वेश्चन आपको एक ही साथ एक ही टाइम में याद हो जाने हैं, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में बस यही आपको क्वेश्चंस बताने थे, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करने थे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। चाहे आप SSC CGL CHSL CPO MPS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी ALP का एग्जाम है, RPF का एग्जाम है, UPSC का कोई एग्जाम है, UPPCS का एग्जाम है, वीडियो का एग्जाम है, तो ओवरऑल सभी एग्जाम को कवर करके चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले मिले। धन्यवाद।